कश्मीर की बांदीपोरा पुलिस ने 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा पुलिस ने दावा किया है कि उसने उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले से 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये 3 युवक उग्रवादियों के लिए काम कर रहे थे और उन्हें उग्रवादी हमलों को अंजाम देने के लिए सहायता कर रहे थे। पुलिस अधिकारी ने इन 3 युवकों की पहचान बाग बांदीपोरा के अबरार गुलजार, चित्ते बंदे के मोहम्मद वकार और कोयल मुकाम बांदीपोरा के मुनीर अहमद के रूप में की है। पुलिस स्टेशन बांदीपोरा में इस संबंध में संबंधित धाराओं और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 3 के कब्जे से आतंकवादी हमलों को अंजाम देने वाले हथियार भी बरामद किए गए। बांदीपोरा से फिरदौस कादरी की रिपोर्ट। ये हमने बांदीपोरा के डिफरेंट इलाकों से पकड़े हैं। ये अभी 3 के 3 जो है डिफरेंट मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने में लगे हुए थे। काफ़ी दिनों से हमने इनके ऊपर नज़र बनाई थी और इसमें इन्होंने उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया है। उनके कहने पे इन्होंने मार्केट में पोस्टर्स भी लगाए हैं और उनके बदले में जो भी इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट या उनको कहीं भी अगर ट्रैवल या ट्रांसपोर्टेशन कराने में भी इनका रोल आया है। तो इनको हम काफ़ी दिनों से रडार पे ये थे और फाइनली जब हमने इनको रंगे हाथों जो है इन 3 को पकड़ा है और अब इनसे हमने कुछ इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल भी रिकवर किया है, जिसमें पोस्टर्स भी हैं, जिसमें बाकी जो सामान जिस तरीके से पहुंचाते थे जो उसका पूरे मोडस ऑपरेंडी हमने निकाल के दिया है। और अभी और भी कुछ एक OGWs हमारे रडार पे हैं जो इस तरीके के दहशतगर्दों को यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं इन यूथ से और पर्टिकुलरली पेरेंट्स से यही अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों के ऊपर खास नज़र रखें। पर्टिकुलरली वो आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरीके से जो है इनके साथ कांटेक्ट में हैं और घर वालों से नज़रें बचा के जिस तरीके से वो इन गलत हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, इसके परिणाम जो हैं बहुत ही गंभीर होंगे और कानूनन इनके सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।